नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एटीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और मुझे बहुत दिनों से बहुत से लोगों ने कमेंट्स किया है कि सर आप सही स्पेलिंग लिखने का तरीका बताइए, सही इंग्लिश लिखने का तरीका बताइए। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक सही इंग्लिश लिखना यानी सही स्पेलिंग लिखना, और एक होता है इंग्लिश को सही तरीके से ग्रामेटिकल उसका मतलब जो उसका ग्रामर है वो करेक्ट होना चाहिए। तो वो एक अलग चैप्टर हो गया, उसे मैं बाद में उसे कवर करूंगा। आज हम देखेंगे जो स्पेलिंग्स है उसे सही लिखने का तरीका क्या है, उसके लिए हमें क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए जिससे हमें हेल्प मिले सही स्पेलिंग लिखने में, ठीक है। तो वैसे तो सही स्पेलिंग लिखना इंग्लिश में बहुत ही कठिन काम है। क्यों कठिन काम है बता दूं आपको, जैसे जैसे बाकी भाषाओं का तो मुझे नहीं पता है लैंग्वेज का जो लिखने में, लेकिन हिंदी का बता दूं भाई, हिंदी में हम जो बोलते हैं वही लिखते हैं, ठीक है। हम बोलेंगे कमल तो हम वहाँ पे लिखेंगे कमल, बिल्कुल हम वहाँ पे लिख देंगे क म ल कमल लिख दिए, ठीक है। हमने वहाँ पे लिखा, मान लीजिए हमको लिखना है वहाँ पे कि हमने वहाँ पे लिखा सूरज, तो भाई हमने पहले ये सूर्य लिख दिया, फिर र लिख दिया, फिर ज लिख दिया। बहुत ही आसान एग्जाम्पल है ये, बहुत ईजी, जो बोल रहे हैं वही लिखते हैं। लेकिन इंग्लिश में क्या होता है, जो बोल रहे हैं उसे भी दो तरीके से लिखना पड़ता है, जो बोल रहे हैं उससे बिल्कुल अलग स्पेलिंग्स भी होती है, बहुत सारे साइलेंट लेटर्स भी होते हैं जिससे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको देना चाहूँगा यहाँ पे, मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप निमोनिया लिख के बताइए इंग्लिश में, निमोनिया, तो जिसे पता है भाई, जिसे पता है, किसे पता है, जिसे स्पेलिंग याद है या फिर जिसने स्पेलिंग की प्रैक्टिस की है, तो वो तो लिख देगा निमोनिया की सही स्पेलिंग। लेकिन आपको कुछ भी नहीं पता है, ठीक है, हम आपको बोलेंगे निमोनिया का स्पेलिंग लिखिए, तो आपको पता है निमोनिया, तो आप किससे स्टार्ट करेंगे, आर से करेंगे, एम से करेंगे, एन से करेंगे। आप बोलेंगे ठीक है एन से करेंगे, तो आपने एन से स्टार्ट कर दिया निमोनिया लिखना। हो सकता है आगे की स्पेलिंग भी गलत लिखो, लेकिन स्टार्ट आपने एन से किया है, तो सबसे बड़ी गलती तो यहीं पे हो गई, क्योंकि जो निमोनिया की स्पेलिंग है वो एन से स्टार्ट ही नहीं होता है। जी हाँ, किससे स्टार्ट होता है, वो होता है पी से, एन से स्टार्ट नहीं होता, वो पी से स्टार्ट होता है। अब देखिए कितनी बड़ी बात है, पी से स्टार्ट, कहाँ से निमोनिया और पी, कहाँ पी निमोनिया, ऐसे तो होगा नहीं। तो अब देखिए उसकी स्पेलिंग है पी से स्टार्ट हो रहा है, निमोनिया की स्पेलिंग देखिए, थोड़ा अलग अलग लिखूंगा ताकि आपको समझ आए। देखिए पी हो गया, फिर निमोनिया को हम लिखेंगे एन ई, ठीक है, यू एम ओ एन आई ए, ये होता है निमोनिया का स्पेलिंग, जो बीमारी है। अब आप बताइए पी, इसी प्रकार से पी वाले में कौन आता है, जैसे हम बोलेंगे साइकोलॉजी, तो साइकोलॉजी में आप क्या बोलेंगे, एस से शुरू करेंगे, सीधी सी बात है एस से शुरू करेंगे। लेकिन यहाँ पे भी साइकोलॉजी हम किससे स्टार्ट करते हैं, साइको हो गया, फिर साइकोलॉजी हो गया, हम पी से स्टार्ट करते हैं। जी हाँ, पी से पी लगाएंगे, उसके बाद हम यहाँ पे लिखते हैं एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, साइकोलॉजी। अब बताइए, अब ये तो हो गया, चलिए यहाँ तक तो आपको समझ आ गया कि भाई स्पेलिंग इस टाइप से मिस्टेक होती है, प्रॉब्लम होती है। एक दो और देख लेते हैं ऐसी, जैसे हम आप बोलेंगे सैम्पेन, सैम्पेन, तो सीधी सी बात है आप किससे शुरू करेंगे, ऐसे शुरू करेंगे। चलो भाई आपको बता भी दूं, मान लीजिए मैं कि हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सी एच से, सैम्पेन को हम सी एच से स्टार्ट करते हैं, सी एच, ठीक है। अब आगे के स्पेलिंग देखिए, बिल्कुल भी अलग लगेगा आपको, ए आएगा, फिर एम आएगा, पी ए, ठीक है, जी एन ई। अब आप बताइए कौन से एंगल से सैम्पेन आपको लग रहा है, कोई एंगल से पढ़ने से सैम्पेन आपको लग रहा है, बिल्कुल नहीं लग रहा होगा, लेकिन यही सैम्पेन का स्पेलिंग है। और हम ऐसे नॉर्मल जैसे अपने हिंदी में जैसे ट्रांसलेट करते हैं वैसे ही पढ़ेंगे तो कैसे लग रहा है, देखिए ये चंपाग्ने, चंपाग्ने ऐसे लग रहा है देखिए, तो भाई ये बिल्कुल डिफरेंस रहता है। उसी प्रकार से एक और पता है आपको, सुनामी, अब आपने सुना होगा, देखा होगा, तो आपको पता है भाई सुनामी कैसे स्टार्ट होता है, लेकिन हमें नहीं पता है तो हम बिल्कुल बहुत इजी हम लिख दिए, मान लीजिए ये सुनामी, तो ये भाई हमने पहली बार बहुत अच्छा लिख दिया है। लेकिन आपको बता दूं, या बहुत से लोगों को पता भी है, ये टी से स्टार्ट होता है, ये टी सुनामी, ठीक है, तो ये सुनामी टी सामने में साइलेंट होता है, बताइए सामने वाला ही साइलेंट है, और क्या बताएं। तो इंग्लिश में ये कन्फ्यूजन होता है, और बहुत सारे जो साइलेंट लेटर है वो आप सभी को पता है, जैसे नो होता है, नॉक होता है, जो के से स्टार्ट होता है, शुड होता है, ठीक है, मान लीजिए शुड लिखने बोलूंगा तो आप कैसे लिखोगे, ये मान लीजिए आप शुड ऐसे लिख दिए, लेकिन यहाँ पे भी क्या होता है आपका यू और एल यहाँ पे साइलेंट होता है, ये गलत हो जाएगा आपका, यहाँ पे ओ यू एल डी, ये शुड का स्पेलिंग होता है। जैसे मैंने नो बताया तो भाई एक नो तो ये वाला नो हो गया, ये तो ठीक है, लेकिन जानने वाले नो में के से स्टार्ट होता है, K N O और W भी आता है, बताइए K भी आ रहा है, W भी आ रहा है, ये स्पेलिंग भी आता है, तो ये होता है कन्फ्यूजन। स्पेलिंग कैसे सही लिखे वो आपको बताने वाला हूँ, लेकिन क्यों हमें जरूरी है वो जो मैं पैटर्न बताने वाला तरीका, इसलिए मैं आपको ये सब समझा रहा हूँ, ये समझना आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। इसके अलावा और क्या कन्फ्यूजन होता है वो भी जानिए, आप देखिए आपको कन्फ्यूजन होता है कि नहीं। कोई बोलेंगे सन लिखना है, सन,
अब आप पूछेंगे, यदि आपका स्पेलिंग पता होगा तब तो आप पूछेंगे बेटा वाला सन लिखना है कि सूरज वाला सन लिखना है। लेकिन आपको नहीं पता, केवल बोल रहे सन लिखिए, तो भाई हिंदी में बोलेंगे सन लिखने, तो आप चाहे कोई सा भी सन लिखने बोलेंगे तो हम लिख देंगे सन, ठीक है, ये सन लिख देंगे। लेकिन इंग्लिश में सन लिखने बोल रहे हैं तो एक सन होता है SON वाला, एक होता है SUN वाला, ठीक है, ये सन बेटा, ये सन सूरज। अब देखिए यहाँ पे ये कन्फ्यूजन आ गया, एक होता है, अब बोलते हैं भाई पैटर्न में आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी होती है पढ़ने में। अब भाई यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम आती है, जैसे हमने लिखा POOR, इससे हम क्या पढ़ते हैं, पूर नहीं पढ़ते हम, इससे पढ़ते पुअर, क्या पढ़ते पुअर, पुअर यानी गरीब, ठीक है। अब चलिए इसे हमने पुअर पढ़ लिया तो DOOR क्या होना चाहिए, डुअर होना चाहिए ना, ये जब पुअर है तो डुअर होना चाहिए, लेकिन नहीं, ये डोर है, ये पुअर है तो ये डोर है, भाई इसे पोर पढ़ना चाहिए, बिल्कुल नहीं, ये आपका पुअर लिखा हुआ है तो आपका डोर यानी दरवाजा लिखा हुआ है, ये गरीब। अब बताइए कितना ज्यादा कंफ्यूजन है। तो आप अपने मन से स्पेलिंग कैसे बनाएंगे, आप सोच के देखिए क्या आप अपने मन से स्पेलिंग बना सकते हैं, बिल्कुल भी नहीं बना सकते। हम लोग तो खासतौर पर नहीं बना सकते जो हिंदी मीडियम या फिर आप उर्दू भाषी होंगे या अलग लैंग्वेज वाले होंगे। हाँ, जो इंग्लिश में ही पढ़े हैं बचपन से, हो सकता है उनके पास कोई पैटर्न हो बनाने का, लेकिन फिर भी किसी को भी इंग्लिश का स्पेलिंग जब तक के नहीं पता है, अचानक से नया स्पेलिंग बनाने बोलेंगे नहीं बना सकते, इतनी सारी प्रॉब्लम उसमें आती है ना। और एक दो प्रॉब्लम आती है, जैसे नाइट लिखने बोलेंगे, भाई जैसे हमने बताया ना सन और सन वाला, बिल्कुल वैसे ही होता है, एक नाइट होता है NIGHT, ये होता है नाइट, ये नाइट यानी होता है रात, और एक नाइट होता है के स्टार्टिंग में होता है, और बिल्कुल फिर ये NIGHT, ये नाइट यानी होता है जो होता है ना योद्धा शूरवीर, ये वाला नाइट होता है, ये नाइट यानी रात। तो देखिए ये थी प्रॉब्लम्स, मैंने प्रॉब्लम को पहले बता दिया। अब ये मत सोचिए कि आपको डरने की ज़रूरत है कि इतनी सारी कॉम्प्लिकेशन है, इतनी सारी परेशानियां हैं, तो हम स्पेलिंग सही कैसे लिखें, तो कोई इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। क्यों, इसके लिए एक ही उपाय है, मैंने बताया ना कि उसका एक ही तरीका है, जो है लिख लिख के देखना। लेकिन उसके ऊपर भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ें समझाने वाला हूँ कि हमें किस टाइप से लिख के सीखना है, क्या क्या तरीके अपनाना है जिससे और भी आसान हो। सबसे मेन चीज़ तो यही है, आपको ये इसे रट के याद नहीं करना है। यदि आप रटने जाएंगे ना, जैसे मैं बोलूँगा कॉन्ग्रेचुलेशंस, तो आप स्पेलिंग याद करते करते मन में बोलते बोलते ही आप दो चार स्पेलिंग भूल जाएंगे, फिर जब आप उसे लिखने बैठेंगे तो भी आप स्पेलिंग भूल जाएंगे। इसलिए मैं बोला हूँ कि आप क्या कीजिए, स्पेलिंग को बोल बोल के लिखिए, ठीक है, जो आपको बताने वाला हूँ तरीका, फिर लिखा हुआ नहीं भूलते हैं, ये भी आप याद रखेंगे। जैसे मूवी में आप कोई मूवी देखते हैं, ठीक है, तो आपको याद रहता है यहाँ पे ऐसे ऐसे हुआ, वैसे जब आप लिखते हैं ना, तो आप जब लिखते रहेंगे अगले बार भी तो आपको याद आएगा, अच्छा मैंने यहाँ पे स्पेलिंग यहाँ पे डबल एल लिख दिया था जो कि सिंगल एल होता है, यहाँ पे बीच में शुड में यू एल भी आता है, तो आप लिखते रहेंगे तो फिर आपको याद आएगा। तो यही मेन पॉइंट है कि लिख के याद करना है, लेकिन कैसे लिख के याद करना है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मेन क्लास तो अभी स्टार्ट होने वाली है, इससे पहले तो मैंने आपको बता दिया था क्या क्या प्रॉब्लम आती है, ठीक है, बाकी तो इजी है। अब मैंने जैसे आपको क्या पढ़ाया था, आपको पैटर्न्स में मैंने कुछ इंग्लिश पढ़ना सिखाया था, पैटर्न्स में जैसे क्या क्या बताया था मैंने आपको, जैसे डेट, गेट, प्लेट, फेस, रेस, स्पेस, तो ये भी बहुत काम आने वाला है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जैसे आपको बिल्कुल भी नहीं आता है स्पेलिंग्स वगैरह, तो आप छोटे छोटे स्पेलिंग को पैटर्न में याद कीजिए, और बोलेंगे वो कहाँ से हमें मिलेगा, तो भाई मैंने आपको पहले भी दिया हुआ है स्क्रीनशॉट, अभी बोलेंगे तो अभी भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा, और बहुत सारे लास्ट में आपको वर्ड्स भी दे दूंगा ताकि आप उसकी प्रैक्टिस कर सकें, जो इंपॉर्टेंट है, जो हमेशा आते हैं, कुछ भी वर्ड याद करने की जरूरत नहीं है, जो हमेशा यूज होते हैं वैसे वैसे दे दूंगा। जैसे पैटर्न में आपको लिखना है तो हम जैसे लेते हैं, जैसे एट एट वाला बताया था डेट, जैसे हम डेट, तो हम लिख लिख के देखेंगे भाई डेट हम लिखते हैं DATE, क्यों ऐसे लिखते हैं मत पूछिए, स्पेलिंग याद रखना है ना आपको, लिख के देखिए डेट, ठीक है। फिर आप गेट लिखिए, हम लिखिए GATE, अब आपको समझ आएगा ATE, डेट, गेट। अब बोलूंगा प्लेट, तो प्लेट, तो PL है ना, ये प्ल हो गया, और फिर ये एट, प्लेट। इस प्रकार से एट एट वाला बहुत सारा आपको देने वाला हूं, वो आप प्रैक्टिस कर लेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से हम क्या कर सकते हैं, यहां पे इसे डाइवर्ट कर दो, यहां पे आप देखते हैं फेस, जैसे हम एस एस वाला पढ़ेंगे तो हम यहां पे फेस का याद कर, अभी लंबे लंबे स्पेलिंग का भी बताने वाला हूं, फेस हो गया। फिर बोलेंगे रेस, तो बिल्कुल ऐसे ही आपका ये होता है रेस, ठीक है। बोलेंगे स्पेस, तो ये हो गया स्पेस। अब एक एक बार नहीं लिखना है आपको, फेस 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 तीन चार बार लिखिए, रेस रेस लिखिए, तो ये पैटर्न आपको याद होगा ना, इससे मिलता जुलता आप बहुत सारा बना सकते हैं, है ना। जैसे कि यहां पे हमने लिखा फेस, वैसी रेस, वैसी स्पेस, और वैसे ही आप बहुत सारे स्पेलिंग बना सकते हैं। इसी प्रकार से दो चार और बता रहा हूँ, फिर थोड़े लंबे वर्ड्स में जाएंगे। जैसे हम मान लीजिए लिखते हैं, कौन से ले लें, जैसे कि हाइड,
ठीक है, हाइड, तो भाई हाइड लिखने बोलोगे तो आप क्या बोलोगे, एच ए ऐसे लिखो हाइड, लेकिन हाइड क्या होता है, एच आई डी, क्या होता है, एच आई डी ई। तो भाई अब आपको पता चल गया हाइड में आई डी ई हो रहा है, तो हाइड बिल्कुल ऐसे राइड लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आर लिख दीजिए और आई डी ई राइड, हाँ ये भी इजी हो गया। टाइड लिखना है तो बिल्कुल ट से शुरुआत होता है टी, फिर टाइड, आई डी ई टाइड, हाँ बिल्कुल। इस तरीके से आपको क्या होगा, आदत पड़ती जाएगी, और ये आई डाइड वाला भी लिखेंगे। इसके अलावा मान ली बाइट, जैसे टाइड है राइड है वैसी बाइट, तो बाइट में बी से स्टार्ट होता है ब, तो ये बी आई टी ई हो गया बाइट, बिल्कुल वैसे हम लिखेंगे काइट, तो के से क होता है तो ये काइट। वैसे इनवाइट तो पहले इन लिख लीजिए, आई एन इन होता है, और वाइट ठीक है, तो व के लिए हम वी का यूज करते हैं, तो वाइट इनवाइट बाइट काइट इनवाइट, इसे आप लिखते जाएंगे, फिर आपको देखेंगे आपको याद होते जाएगा, हाँ आइट वाला हमें ऐसे ऐसे लिखना है, ठीक है। कंफ्यूजिंग वर्ड भी आपको बताने वाला हूँ आगे कि हम कैसे जाने उसके लिए। अब इसके अलावा क्या होता है, ये तो अभी पैटर्न वाली बता रहा हूँ, और एक दो बताता हूँ जैसे थोड़े लंबे में, जैसे हमने नेचर वाला पढ़ा था, नेचर बिल्कुल ही अलग है। नेचर तो आप क्या बोलेंगे, च के लिए सी एच लिखेंगे, नहीं हम नेचर के लिए चर के लिए क्या टी यू आर ई का यूज करते हैं, टी यू आर ई, जैसे नेचर लिखना है तो हम लिखेंगे एन ए, ठीक है ने हो गया। चर के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी यू आर ई, ये हो गया नेचर। अब ऐसे बोलेंगे फ्यूचर, तो हम फ्यू एफ यू को फ्यू, अब ये चर फ्यूचर, ये हो गया। तो आपको चर चर वाला एकदम बहुत ही आसानी से टी यू आर ई का चर होता है, ये आपको समझ आएगा। ये मैं ऐसे सीखता हूँ, ये कोई एकदम बहुत ग्रामर आपको ग्रामर बुक में कहीं नहीं मिलने वाला है, ये मैं जैसे याद किया था क्योंकि मैं भी हिंदी मीडियम वाला हूँ, तो ऐसे ही मैं तैयारी किया हूँ, इससे बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा आपको, आप ट्राई करके देखेंगे। पिक्चर लिखना है तो पिक लिख लीजिए पहले, पी आई सी पिक हो गया, चर का मैंने आपको बताया था। अब आपको नहीं पता है के लिखना है कि सी लिखना है, तो भैया जब आप एक बार पिक्चर लिख लिया आपने, पी आई सी लिख लिया, तो अगले बार आपको कोई बोलेगा पिक्चर तो आपको याद नहीं रहेगा क्या मुझे सी लिखना है कि के लिखना है, जी हाँ आपको बिल्कुल याद रहेगा क्योंकि आपने तो लिख के प्रैक्टिस किया ना पी आई सी, जबरदस्ती आपको के लिखना ही नहीं है जब स्पेलिंग ही पिक्चर का ये है तो बदलेगा ही नहीं, कोई भी कंडीशन में सी का के होना ही नहीं है, ये पिक ऐसे लिखना है, चर तो ऐसे ही रहेगा। तो एक बार आपने जब पी आई सी लिख लिया टी यू आर ई, तो अगले बार जब भी पिक्चर का स्पेलिंग आपको लिखना रहेगा आपको बिल्कुल याद रहेगा कि भाई मुझे यहाँ पे के नहीं लिखना है पी आई सी ही लिखना है, तो एक कंफ्यूजन तो यहीं पे ऐसे ही दूर हो गया। जैसे हाइड में यहाँ पे एच ए आपको नहीं लिखना है, एच आई डी लिखना है, तो आपको ये भी पता चल गया। तो ये लिखते लिखते ही इससे प्रैक्टिस होती है। वैसे कल्चर लिखना है कल्चर, तो सी यू एल कल, अब आप यहाँ पे जैसे बोले कल हम सी ए एल क्यों नहीं लिख रहे हैं, मत पूछिए कल हम सी ए एल क्यों नहीं लिख रहे हैं, आपको पता है कल्चर के स्पेलिंग में सी यू एल आता है, तो एक बार आप जब लिखेंगे 10-10 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा हाँ सी यू एल लिखना है कल्चर में और चर को, तो भाई यही लिखना है हाँ, तो कल्चर अगले बार कोई बोलेंगे तो आप जब लिखेंगे आपको याद आएगा नहीं सी ए एल नहीं होगा, मैं तो सी यू एल लिखा था, इसलिए सही सही लिख के ही प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। तो कल्चर इसी प्रकार से एक और देखते हम एक्शन, तो शन में देखिए दो टाइप का आता है, दोनों पैटर्न बता रहा हूं। शन वाले में एक आता है टी आई ओ एन, ठीक है शन जिसे पढ़ते हैं, जैसे कि एक्शन तो हमने बोला एक, ए सी का एक, अब ये भी आप रखेंगे एक और ये शन एक्शन। अब यहां पर भी वही वाली बात है कि एक में हम के क्यों नहीं लगा रहे, भाई आपको पता है एक्शन के स्पेलिंग में ए सी आता है, आपने लिख के प्रैक्टिस किया कभी भी नहीं भूलेंगे, आपको स्पेलिंग भी याद हो जाएगी, लिखने में तो बहुत ही ईजी होगा, आप बिल्कुल ही एक्शन लिखने बोलेंगे बिल्कुल ए सी ही लिखोगे आप, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस हो चुकी है लिख लिख के। यहाँ पर मैं एक बार लिख रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं, आप भी एक एक बार लिख के प्रैक्टिस कीजिए, बार बार उससे लिखेंगे 10-10 बार कम से कम लिखेंगे, अगले बार आप देखेंगे हाथ रख के जब दोबारा लिखेंगे ना बिल्कुल सही स्पेलिंग लिखेंगे, 3 दिन बाद भी आप सही स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक है। एक्शन हो गया, मोशन तो मो के लिए एम ओ मो, ठीक है मो और तो कुछ होगा नहीं, मो का एम ओ ही होता है, मो शन का लिख लिया टी आई वन मोशन, ठीक है। इलेक्शन तो इले ई एल ई इले, ठीक है इले, अब यहाँ पे आई क्यों नहीं लिखे, भाई इलेक्शन के स्पेलिंग में ई से ही स्टार्ट होता है, तो ये भी आप ध्यान रखें इलेक्शन में ई से स्टार्ट होता है, ई एल ई इले हो गया, और ये सी का क इलेक, और फिर शन का ऑप्शन लिख दीजिए, तो ये भी आपको स्पेलिंग याद रहेगा, भाई इलेक्शन लिखना है तो मुझे ई एल ई सी का यूज करना है, शन तो आपको याद ही हो गया, तो बस इतना याद करना, ये तो आपको पता ही इलेक्शन। वैसे ही लोकेशन तो एल ओ, यहाँ पर भी सी का यूज होगा, सी ए लोके, ठीक है लोके शन लोकेशन, इस प्रकार से पैटर्न से आपको याद करना है। अब एक शन मैंने बताया, अब आप बोलेंगे सर मान लीजिए कोई शन में एस आई ओ एन वाला, तो हम कैसे जानेंगे, भाई कैसे जानेंगे उसका कोई रूल यहां पे आपको नहीं बताने वाला हूं, आप लिख लिख के प्रैक्टिस कीजिए आपको बहुत आसानी होगी। जैसे एक्शन में टी आई ओ एन ही आएगा, यहां पे एस आई ओ एन नहीं आएगा, ये याद रखेंगे। मोशन ऐसी आई एम पी वर्ड्स आपको देने वाला हूं, उनका प्रैक्टिस कर लेंगे आप तो फिर आपको
कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, वही वही ज्यादातर यूज होता है। जैसे विजन, हम क्या यूज करते हैं विजन, तो हमने लिखा भाई विजन, तो वी आई एस आई ओ एन, ये भी विजन है। यहाँ पे आप टी आई ओ एन नहीं लिखेंगे, विजन का स्पेलिंग यही होता है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई एक्शन में ये आता है, विजन में ये आता है, तो ये लिखने से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी आपको लग रहा होगा सर अभी तो अच्छा लग रहा है, बाद में प्रॉब्लम होती, नहीं अभी आपको कठिन लग रहा होगा, बाद में आपको इजी लगेगा जब आप बार बार लिख के देखेंगे। विजन, फ्यूजन लिखते हैं फ्यूजन, तो जैसे हमने फ्यू में क्या किया, फ्यूचर में हमने एफ यू लिखा, बिल्कुल ऐसी एफ यू फ्यू। अब जन में हमने यहाँ पे एस आई ओ एन, ये फ्यूजन हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हमने लिखा मान लीजिए पेंशन, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे पेन लिख देंगे, और शन तो पेंशन की स्पेलिंग में ये आता है। डिवीजन लिखना है हमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे डी आई वी, है ना, और डीवी तो ये डी वी आई ई डीवी, फिर ये सन डिवीजन, ठीक है। यहाँ पे जन थोड़ा जन जन ऐसे पढ़ते, विजन फ्यूजन पेंशन, यहाँ पे पेंशन आ रहा है डिवीजन, ठीक है। लेकिन लिखते समय तो हमें उच्चारण से मतलब नहीं, हमें तो स्पेलिंग सही लिखनी है, ये हो गया। इसी प्रकार से डाइवर्सन बोलते हैं जिसे हम, है ना, क्या डाइवर्सन बोलते हैं, डिवर्सन भी बोल देते हैं, डाइवर्सन होता है, तो डी आई वी, ठीक है, ई तो ये हो गया डाइवर, ठीक है, डाइवर, ठीक है, यहाँ तक, फिर डाइवर्सन। तो इस प्रकार से जब बार बार लिखते जाएंगे, कन्फ्यूजन ये याद आया मुझे, तो कन्फ्यूजन में लिखा जाता हूँ, ये एफ यू कन्फ्यू, ये हो गया, फिर ये फ्यूजन। तो भाई आप देखिए, हमने यहाँ पे फ्यूजन लिखा है, फ्यूजन लिखा है, बस सामने में कन को जोड़ना है आपको, कन्फ्यूजन, तो याद हो गया भाई आपको स्पेलिंग। एडमिशन, तो एडमिशन में आपको क्या करना है, ए डी हमने लिखा एड, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारे कन्फ्यूजन आता है, डबल डी आता है सर कि डबल एम आता है, तो आप जब लिखेंगे तो आपको कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। देखिए एड लिखेंगे, एम लिखेंगे, तो यहाँ पे ना डबल डी होता है ना डबल एम होता है, केवल डबल क्या होता है, देखिए एडमी लिखेंगे फिर डबल एस होता है, एडमिशन, ठीक है, ये एडमिशन। तो यहाँ पे स लिखने के लिए डबल एस किए लोग, ठीक है, ज एडमिशन बन रहा था, इसे एस लिखने के लिए डबल एस कर दिया, तो एडमिशन श ऐसे उच्चारण हो रहा है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एडमिशन में बहुत सारे कन्फ्यूजन होता है, सर डबल डी आता है कि डबल एम लिखते हैं कि डबल डी, कई लोग ऐसे लिख देते हैं, ए लिखेंगे फिर डबल डी लिखेंगे फिर डबल एम भी लिख देंगे फिर डबल एस भी लिख देंगे और एडमिशन। बहुत से, मैं जब चेक करता हूं तो मुझे पता है बहुत से लोग ऐसे लिखते हैं, कई लोग क्या कर देते हैं, ए लिखते हैं, डबल डी लिख देते हैं, एम लिख देते हैं, आई और ऐसे लिख देते हैं, तो ये भी गलत है। तो भाई हमें ये एकदम कन्फर्म कैसे हो कि सही कौन सा है, इसका एक ही तरीका है, आप एडमिशन को बार बार लिख के देखिए, बस ये याद रखिए इसमें डबल क्या रहता है, जी हाँ डबल, केवल एस डबल रहेगा, फिर आप इजी लिख लेंगे, आप बिल्कुल ऐसे लिखेंगे, एस जब लिखेंगे आपको याद आएगा हाँ ये डबल था और ये आपका हो गया एडमिशन कंप्लीट। तो इसलिए ये सब ध्यान रखने वाली बात होती है लिखते समय। और जितने बार आप लिखेंगे ना, रूल वूल कुछ याद नहीं करना है, बस आप इसे चार बार लिखोगे ना, रूल वगैरह सब छोड़ दीजिए, पांचवी बार आप जब बिना देखे लिखोगे ना बिल्कुल सही लिखोगे, आप देख लेंगे। हो सकता है कई लोग की जो कैपेसिटी होती है थोड़ी सी, मान लो हो सकता है वो लोग बहुत जल्दी याद कर ले, थोड़ा सा लेट याद करें, लेकिन यही एक तरीका है जिससे आपको सही स्पेलिंग याद हो सकती है और होगी। इसके अलावा और बता रहा हूँ आपको क्या करना है, ये तो पैटर्न वाला हो गया, बहुत सारा पैटर्न हो गया, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है, जैसे हम लिखते हैं ना कलरफुल ब्यूटीफुल, तो वहां पे क्या कर देते हैं डबल एल लगा देते हैं, बहुत सारे डबल एल लिख देते हैं, ब्यूटीफुल कलरफुल फेथफुल, लेकिन याद रखेंगे वहां पे लास्ट में केवल एक एल ही होता है, डबल नहीं होता है। जैसे कलरफुल लिखना हमें, तो भाई कलरफुल में भी दो बात होती है, यदि हम ऐसे लिख रहे हैं ना कलर, देखिए सी ओ एल ओ है ना, और एक कलर फुल, तो ये भी सही होता है, ये स्पेलिंग भी सही है। और यदि आप लिखते हैं सी ए एल ओ, ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल सेम है, यदि आप यू आर एफ यू एल लिखते हैं तो ये भी सही है, दोनों स्पेलिंग सही है। अब बताइए इंग्लिश में ऐसे कन्फ्यूजन रहता है, ये लिखोगे तो भी सही देगा, ये लिखेगा तो भी सही देगा, वो बताया ना ब्रिटिश वाला अमेरिकन वाला, यही प्रॉब्लम होती है। लेकिन ये याद रखेंगे आप, दोनों स्पेलिंग दोनों सही है। अब यहाँ पे आपको फुल में एफ यू एल ही लिखना है, डबल एल नहीं कर, बहुत से लोगों को देखो मैं फुल फुल लिखते हैं तो डबल एल कर देते हैं, वो लोग ये गलती करते हैं। ब्यूटीफुल लिखना है तो देखिए योग्य ब्यूटी, ये फुल ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ये ब्यूटीफुल हो गया, डबल एल नहीं लिखना है। फेथफुल तो ये सॉरी मैं थोड़ा सा कर्स्यू टाइप से लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे हो गया फेथफुल, ठीक है, आपका होगा फेथफुल फेथफुल। तो ये जो ये वाला पैटर्न है यहाँ पे एल एल ही आएगा, डबल एल नहीं करना, एक ये वाला हो गया। एक और आप क्या प्रैक्टिस करते हैं इसके अलावा, आप डबल लेटर वाला प्रैक्टिस कीजिए, जो भी मैं आपको दे दूंगा पैटर्न, मैं एक पीडीएफ तैयार कर दूंगा, उसका लिंक दे दूंगा, अभी नहीं बना पाऊंगा लेकिन ऐसी इंपॉर्टेंट वर्ड का पीडीएफ दे दूंगा। आपको कैसे याद करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ, डबल स्पेलिंग वाले जैसे क्या होता है, एड तो डबल डी आता है, एड होता है, एग आपने सुना होगा एग है ना, अंडा, ये डबल जी आता है, वैसे ऑल तो यहाँ पे डबल एल आता है ऑल में, और क्या होता है टॉल वॉल, ठीक है, ये सब डबल एल वाला स्पेलिंग आता है, कुक है ना, कूल
तो ये सब क्या होता है, डबल डबल स्पेलिंग वाला जो है, इस प्रकार से भी प्रैक्टिस करना है आपको कि कहाँ कहाँ पे डबल आता है। ये तो छोटा छोटा वाला बता दिया, बड़ा वाला होता है। इसी प्रकार से थोड़े लंबे वर्ड्स में जैसे देखते हैं हम, जैसे म्यूजिशियन, हम क्या होते हैं म्यूजिशियन, तो वहां पे शन सन होता है, जैसे वो वाला शन बताया था ना आपको TION वाला, तो ये भी याद आ गया मुझे। एक शन क्या होता है, CIN वाला भी होता है। इससे मतलब पैटर्न से आप याद करोगे तो कभी नहीं भूलोगे, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये हो गया शन, इसे भी पढ़ते हैं जैसे म्यूजिशियन, तो इसी में जोड़ देता हूँ, ये होगा आपका म्यूजिशियन, ठीक है, म्यूजिशियन ऐसे होगा, म्यूजिशियन ये एक साथ होगा ना, अलग अलग लिख दिया हूँ। उसी प्रकार से मैजिशियन हम यहाँ पे लिख देंगे ये, ठीक है, और यहाँ पे आपका CI है ना, और अभी AN, ये मैजिशियन, ठीक है, मैजिशियन ऐसे ही बोलते हैं, मैजिशियन एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन होता है। ऐसे ही होता है फिजिशियन, है ना, हम ना फिजिशियन, तो यहाँ पे आपका आएगा PHYSICIAN, फिजिशियन, ठीक है। तो ये देखिए शन शन वाला, ये भी आपका आता है। तो जब ये प्रैक्टिस करेंगे आप, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा लिखने के लिखते समय। अब यदि स्पेलिंग याद करने जाएंगे, लिखेंगे नहीं आप, लिख के प्रैक्टिस नहीं करें, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। आप बोलेंगे सर मैजिशियन, तो आप TION लगा देंगे या फिर SION लगा देंगे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। लेकिन आप जब लिख लिख के देखेंगे ना, मैजिशियन म्यूजिशियन और ये नेशनल है ना, इसके अलावा जो आपको और बताया था मैं, विजन फ्यूजन, तो आपको बिल्कुल याद रहेगा किस में मुझे TION लगाना है, कौन से स्पेलिंग में SION आता है, कौन से स्पेलिंग में CIAN आता है। तो ये बहुत ही सही तरीका है। इसके अलावा अब दो तरीका और बताने वाला हूँ, उसके बाद क्लास आज की एंड कर दूंगा मैं, क्योंकि मेन तरीका यही लिख लिख के याद करना है। लेकिन दो और कौन सा तरीका है, एक है जो अटपटे जो रहते हैं साइलेंट लेटर वाले जो होते हैं ना, अटपटे अटपटे, जैसे मैंने आपको बताया शुड कुड, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। शुड कुड वुड तो तीन ही है मान के चलो, ज्यादा इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है। शुड का याद करना तो आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, शुड बार बार शुड लिखिए, अगले बार कभी भूलेंगे नहीं। कुल लिखना है, ये शुल्ड कुल्ड बोलेंगे तो बोल सकते हैं आप, अपनी सहायता मतलब उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। बहुत से हिंदी मीडियम वाले ऐसे करते हैं, गलत स्पेलिंग बोलते हैं, फिर उससे क्या होता है लिखते समय आसानी होती है। लेकिन मैं ऐसे नहीं बोलना चाहूँगा, क्योंकि यदि शुल्ड कुल्ड बोलेंगे तो हो सकता है आप जब पढ़ते समय ही आप शुल्ड कुल्ड पढ़ने लग जाएंगे। लेकिन ये आप कर सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है शुल्ड कुल्ड नहीं लिखा हुआ, शुड या कुड लिखा हुआ है। लेकिन मैं पहले ऐसे करता था, लेकिन बोलते समय सही बोलता हूँ, लिखते समय मुझे मेरे मन में ये आता है शुल्ड कुल्ड, तो मैं स्पेलिंग सही लिखता हूँ। तो भाई सबका अलग अलग तरीका है, ये नहीं बोल रहा हूँ ऐसे ही आप कीजिए जो आपको सही लगे। लेकिन यदि आप ऐसे याद करते हैं तो भाई आपको ये याद रहना चाहिए कि इसे शुड कुड वुड पढ़ते हैं, शुल्ड कुल्ड वुड नहीं पढ़ते हैं, लेकिन स्पेलिंग ऐसे लिखेंगे। तो ये आप पैटर्न याद कर लेंगे। वैसे ही साइलेंट लेटर का मैंने एक वीडियो बनाया है, उसका PDF भी मैंने एक नीचे लिंक में दिया हुआ है। पूरे साइलेंट लेटर बहुत सारे मेन मेन बता दिए, कौन कौन से साइलेंट लेटर होते हैं, के वाले, बीच में जो बी आते हैं, जी वाले, बहुत सारे पैटर्न बताए, उसकी प्रैक्टिस कीजिए। जैसे नी लिखना है तो उसे वो के से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये नी लिखेंगे, ठीक है। नॉक लिखना है तो ये नॉक से होगा, फिर आप कभी नहीं भूलेंगे, बता रहा हूँ ना मैं, ये जो तरीका जो मैं आपको बताया हूँ, ये नो हो गया, नाइफ हो गया, तो ये देखिए KNIFE, नाइफ, के साइलेंट होता है, नो, नॉक, नी, सब में के साइलेंट होता है। ऐसी आपका जैसे कफ लिखते हैं, हम क्या लिखते हैं, कफ लिखते हैं, तो वहाँ पे भी क्या होती है, बहुत से लोगों को कन्फ्यूजन होता है कफ लिखना है तो कैसे लिखना है, तो भाई हम कफ क्या लिखते हैं, COUGH, ये कफ होता है। तो बहुत से लोग CUF कफ लिख देंगे, तो ये गलत होता है, ये कफ सही होता है। तो ये सब कैसे याद होगा आपको, सिर्फ लिख लिख के। कफ बोल दूंगा तो आपको याद होगा क्या, COUGH नहीं, हिंदी थोड़ी है ये, आपके जो लैंग्वेज है वो थोड़ी इंग्लिश है, बिल्कुल इसमें दुनिया भर का झमेला रहता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका यही है जो मैंने आपको बताया है, लिख लिख के देखिए, इससे बहुत ही आसानी होने वाली है। लास्ट जो तरीका है, ट्रिक क्या बोलूँ मैं, तरीका ही बताइए, लास्ट जो तरीका आप प्रैक्टिस ऐसे कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं आप दिन में, क्या कीजिए, जैसी आपकी कैपेसिटी है ना, कैपेसिटी के अनुसार आपकी जितनी क्षमता है, जबरदस्ती अपने ऊपर बर्डन मत दीजिए, मजे से पढ़िए तो आपको याद होगा। आप क्या कीजिए, एक दिन में आप कीजिए, ठीक है, वन डे में आप क्या कीजिए, 10 वर्ड्स ले लीजिए, ठीक है, 10-20 ले सकते हो, मैंने बताया ना कैपेसिटी, आप कितना याद कर सकते हो। बहुत से लोग 10 वर्ड को हो सकता है 1 घंटे में याद कर दें, एक ही दिन में 20 भी याद कर लें, वो आपके ऊपर है, 10 लो 5 लो, लेकिन आप ये करो कि भाई रोज मुझे इतना वर्ड्स याद करना ही करना है। और आप नेट में भी सर्च मार सकते हो कि इंपॉर्टेंट वर्ड्स कौन कौन से हैं, भाई आप ऐसे देखो दुनिया भर के इंग्लिश में वर्ड्स है, क्या आप सब याद कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, लेकिन जो हम डेली यूज करते हैं बोलने में, लिखने में, स्टोरीज में, न्यूज़पेपर में, तो आप वैसे वर्ड नेट में सर्च कीजिए और केवल 10-10 जो आप चाहो, एक छोटा वर्ड ले लीजिए, एक मीडियम ले लीजिए, एक थोड़ा बड़ा लीजिए। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा, जैसे एक छोटा मैं ले लिया, मान लीजिए मैं शॉर्ट शॉर्ट लिखना है मुझे, तो भाई पहले तो मैं देखूंगा स्पेलिंग को, याद करने की कोशिश करूंगा SHORT,
या फिर अपने मन से लिखने की कोशिश करूंगा शॉर्ट। अब हो सकता है मैं ऐसे शॉर्ट लिख दूं, शॉर्ट। अब मैं क्या करूंगा, स्पेलिंग को देखूंगा वहां पे। अच्छा यहाँ पे मुझसे क्या गलती हुई है, एच आना चाहिए। हाँ मुझे याद आ गया, यहाँ पे एच आना चाहिए। तो हमेशा मुझे याद रहेगा शॉर्ट ऐसे लिखना, यहाँ पे एच जुड़ता है। तो अभी ये स्पेलिंग गलत हो गई मुझसे, लेकिन बाकी सब चीज सही लिखा हूँ, केवल एक ही मिस्टेक हुआ। तो थोड़ा मन में क्या लगेगा आपका, अच्छा लगेगा, हाँ भाई एक ही स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है। तो आप लिखेंगे शॉर्ट। ऐसे भी हो सकता है कि पूरा स्पेलिंग आपका गलत हो, कई लोग कैसे भी हो सकता है, लेकिन एस को तो सही लिखोगे, आर और टी तो सही लिखोगे। लेकिन सब भी गलत हो गया कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिखोगे आपको याद, शॉर्ट हो गया। एक मीडियम वाला जैसे लिखना है, मान लीजिए मैं मीडियम में ले लेता हूँ, मीडियम स्पेलिंग में क्या ले लूँ मैं, जैसे ले लेता हूँ मैं हिस्ट्री, क्या लेता हूँ हिस्ट्री। तो मैं पहले लिख के देखूंगा, जैसे हिस यहाँ तक तो सही लिख लूंगा। अब ट्री लिखना है, हिस्ट्री लिखना है, तो हो सकता है मैं ऐसे कर दूँ टी आर वाई हिस्ट्री, तो मुझे लगेगा हाँ मैं तो सही लिखा हूँ। या फिर ऐसे कर सकता हूँ, ये टी आर डबल ई हिस्ट्री ऐसे लिख दूंगा मान लीजिए, तो ये तो गलत हो गया दोनों। तो फिर मैं चेक करूंगा सही क्या है, तो फिर मैं चेक किया, मैंने बोला अच्छा एच आई एस तक तो मैंने सही लिखा था, टी भी सही लिखा था, लेकिन हिस्ट्री में ओ ओ जुड़ जाता है, ओ आर वाई आता है, यहाँ पे ओ जुड़ जाएगा सिर्फ, तो ये वाले में ओ जुड़ गया बस हिस्ट्री। अच्छा ये वाला स्पेलिंग सही है। एक ये तरीका है, चाहे तो आप क्या कीजिए, गलत मत लिखिए, मन से लिखिए मत शुरू में स्टार्टिंग। आप सीधा सीधा क्या कीजिए, सही स्पेलिंग को एक बार पढ़िए, एक बार पढ़िए, दो बार पढ़िए, तीन बार पढ़िए, फिर पांच बार छह बार लिखिए उसको, ठीक है। उसके बाद पेज पलटिए या फिर छुपा दीजिए, फिर बिना देखे आप लिखने की कोशिश कीजिए, फिर आप मिलान कीजिए, फिर जब मर्जी आया दोपहर को शाम को आप एक बार बिना देखे कहीं पे भी लिख के देखिए, मन में ही दोहरा के देखिए कि मैंने जो सुबह याद किया था कल याद किया था स्पेलिंग सही याद किया हूँ कि नहीं, तो ये या की हूँ कि नहीं, तो फिर ये आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। ये शॉर्ट हो गया, मीडियम, एक जैसे हमने लॉन्ग ले लिया, मान लीजिए मैं लिखता हूँ कैरेक्टर्स, ठीक है मैंने कैरेक्टर्स लिया, तो भाई कैरेक्टर्स का स्पेलिंग क्या होता है, सी एच ए आर ए सी टी। अब यहाँ पे हो सकता है कोई ए लिख दे, कोई कुछ लिख दे, तो कोई बात नहीं, जब आप बार बार लिखेंगे ना तो आपकी स्पेलिंग सी ए होता है कैरेक्टर्स, केवल कैरेक्टर बोलेंगे तो ऐसा हट जाएगा कैरेक्टर, ऐसे कैरेक्टर्स, ये हो गया। शॉर्ट स्पेलिंग मैंने एक याद कर लिया, एक मीडियम और एक लॉन्ग। तो आप दिन में ऐसे 10 याद कीजिए, चाहे तो 10 शॉर्ट कीजिए, चाहे 10 मीडियम, या आपकी जो मर्जी, जो स्पेलिंग याद करने का मन हो रहा है कि नहीं मैं आज 10 ये स्पेलिंग आज याद करके ही रहूंगा क्योंकि मुझे कन्फ्यूजन है, तो भाई कन्फ्यूजन दूर करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है, लिखिए, याद कीजिए, कन्फ्यूजन दूर करिए, खत्म। हमेशा अगर स्पेलिंग आपको याद हो जाएगी। एनिमल्स है ना, तो भाई स्टार्टिंग हमेशा कैपिटल से करना है, लेकिन मैं ऐसे अभी समझाते हुए स्मॉल लिख दिया। ये हो गया आपका एनिमल्स। यहाँ पे बहुत से लोग गलती करते हैं, कई लोग क्या कर देते हैं, एनिमल्स लिखना है तो एम ई एल एस कर देते हैं, या फिर कई लोग क्या कर देते हैं ई एस लिख देते हैं। तो आप क्या सही स्पेलिंग देखिए और लिखिए जो मैं बता रहा हूँ। भाई बिलीव यहाँ पे भी बहुत से लोग को, कई लोग ई आई कर देते हैं, कई लोग आई कर देते हैं, तो यहाँ पर भी कन्फ्यूजन होता है, वो केवल लिख के ही दूर होगा। कॉम्पिटिशन ये भी थोड़ा सा लंबा है, तो हमने भाई ये कॉम्पी है ना, तो कई लोग आई लिख सकते हैं लेकिन ई ए कॉम्पी ऐसे ऐसे होता है, ये कॉम्पिटी हो गया, फिशन के लिए हम टी ए कॉम्पिटिशन। तो भाई ये थी जो जितनी सारी ट्रिक थी मेरी, कितनी ट्रिक मैंने बताई मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि भाई मैं कहीं पे नोट डाउन किया नहीं हूँ, मैं लिखा नहीं हूँ कि किए ये समझाना है। मुझे जो जो समझ आया कि मैं जिस तरीके से पढ़ता हूँ, यहाँ पे मैंने ये नहीं लिखा है कि मैं आपको 10 तरीके बताने वाला हूँ, 20 तरीके बताने वाला हूँ, मुझे जो जो समझ आते हैं कि ये आपको फायदेमंद होने वाली है, और आप देखेंगे जरूर आपको इससे फायदा होना है। मैंने तो भाई इससे प्रैक्टिस की है, मैं स्टूडेंट्स को भी मैं यही तरीका सिखाता हूँ, और वो लोग क्या करते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, प्राइमरी में पढ़ाता हूँ आप सभी को पता है, क्लास 2-3 के, वो लंबे लंबे स्पेलिंग भी याद कर लेते हैं, बोले सैटरडे थर्सडे ट्यूसडे, सुनने में देखिए कितना कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन बच्चों के स्पेलिंग के साथ याद है। कभी वीडियो मैं पोस्ट कर दूंगा बच्चों के स्पेलिंग बिना देखे बोलते हुए, है ना, जो क्लास के बच्चे हैं जो कि गाँव से है, ऐसे भी नहीं कि उनके माँ बाप बहुत पढ़े लिखे हैं इंग्लिश मीडियम के, गाँव के बच्चे हैं, माँ बाप मजदूर वर्ग के हैं, किसान हैं, कम पढ़े लिखे हैं, उसके बाद भी बच्चे लिख लिख के याद करते हैं इसी ट्रिक से और वो बोल पाते हैं। वीडियो जरूर डालूंगा, आप लोग देखेंगे। तो आप बताइए आज की वीडियो आपको हेल्पफुल लगी कि नहीं लगी, आप याद करके देखिए, उसके बाद कमेंट करेंगे कि सर आपने जो तरीका बताया था हाँ वो हेल्पफुल है, नहीं है तो भी बताइए, ताकि अगले बार मैं किसी को ये अब बोलूँ ना भाई आप ऐसे याद मत कीजिए। तो आप कमेंट जरूर करेंगे अच्छा बुरा जो भी लगे, ताकि मुझे समझ आए कि जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की ट्रिक, ये थी आज की क्लास। थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब इसका स्क्रीनशॉट क्या दूँ, फिर भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो भी मैंने लिखा हुआ है, और जो मैंने आपको बताया ना जो वर्ड के पैटर्न वाला, उसका मैं PDF बना दूंगा और उसका लिंक दे दूंगा, वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन
शुभ रहे। नया हो चैनल पे तो प्लीज लाइक करेंगे, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो जो कि मैं खुद से बनाता हूँ, कहीं बुक वगैरह से कोई कॉपी नहीं होती, आपको कहीं नहीं मिलने वाला ये सब चीज जो मैं एक्सपीरियंस किया हूँ आज तक, वही मैं बताता हूँ, तो आपको बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगी। तो लाइक जरूर करेंगे, सब्सक्राइब कर लेंगे, और इसके अलावा बेल आइकन को दबा के ऑल को प्रेस करेंगे, ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।